सचिन भाई को मिस करते हो बहुत ज्यादा? इंडिया गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने इस चर्चा वाले चैनल में। और इस समय ये देखो, और इस समय मैं हूँ मरीन लाइंस के ऊपर और दिस इज समथिंग आई हैव। ये है इंडिया न्यूजीलैंड सेकंड डे के पासेस, तो अभी जो है मैच देखने जाना है। जल्दी जल्दी चलते, मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ, अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। सो लेट्स गो टू द क्रिकेट ग्राउंड। ब्रेक में आ सकते हैं ना वापस? तो अभी जो है, अभी शायद से एक इनिंग का ब्रेक हो चुका है, इंडिया की बैटिंग खत्म हो चुकी है, अब न्यूजीलैंड की बैटिंग शुरू होगी। भाई गेट नहीं है, 14 स्ट्रेट। ये देखिए मेरा इस तरफ है सुनील गावस्कर पवेलियन स्टेयर्स 14। आई एम एक्साइटेड, फाइनली पहली बार जो है इस ग्राउंड में वांटेड है। जसप्रीत बुमराह, इधर कोहली विकेट कीपिंग। तो अभी अभी जस्ट रिसेंटली हैट्रिक मिस हो गई सिराज भाई की। जस्ट लुक एट मी, क्या क्राउड है, मुंबई का क्राउड एकदम, बहुत सही वाइब है, स्कूल वाइब। फाइनली अभी जो है न्यूजीलैंड के 4 विकेट गिर चुके हैं। अलग मज़ा आता है जब भी विकेट जाती है, जो चिल्लाती है पब्लिक, अलग चीयर अप रहता क्राउड का, गजब। ऐसा लग रहा है बस इसी सेशन में इनिंग खत्म हो जाएंगी न्यूजीलैंड की, देखते हैं, लेट्स सी। मां तुझे सलाम, वंदे जो है ना, इस जगह पे टी ब्रेक हुआ है और न्यूजीलैंड की हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बद से बदतर हो चुकी है। देखते कि आने वाले
ये जो टाइम है क्या विकेट ले पाते या नहीं, लेट्स टेक इनसाइड और अंदर ना एक अलग सी वाइब आ रही। और पहली दफ़ा जो है मेरा वानखेड़े में एक्सपीरियंस है, तो इट वॉज़ लाइक वर्थ विजिटिंग, मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट सेशन का वेट करते, लास्ट सेशन ऑफ द डे, देखते क्या क्या होता है। न्यूजीलैंड 62 पे ऑल आउट हो गई, 62 पे 10 विकेट, कमाल की बॉलिंग की, कमाल की सभी बॉलर ने। भाई सचिन भाई को मिस करते हो बहुत ज़्यादा, याद आती है कभी ऐसे सचिन भाई की मुंबई में? यही मनाए थे, सही है। चलो भाई, भाई आप किसके फैन हो? हाँ एक मिनट, इंडिया का कहाँ गिरा? अरे भाई आप गेम लेते हो यार, हमारा गेम लेते हो, इंडिया भाई। धोनी भाई को मिस करते हो? मिस करते हैं। अच्छा तो लेकिन अलग लगता होगा ना ग्राउंड में ऐसा, भाई माही भाई नहीं खेल रहे तो मिस करते हैं वो कुछ को। बस माही भाई ऑलवेज इन ग्राउंड, इंडिया इंडिया मिस नहीं करोगे। अरे वाह भाई, इंडिया। सो फाइनली इट्स इंडिया 63-0, और अभी जो है फ्लडलाइट्स चालू हो चुके हैं, अभी 5:15 हो रहे हैं, बट जो क्राउड है ना बहुत ज़्यादा क्रेजी है। और इंडिया की अभी एक भी विकेट ना गिरे तो, और जिनको अभी आपने देखा देते वन ऑफ द बेस्ट फैन ऑफ धोनी भाई सचिन एंड फैन ऑफ इंडिया। सो लेट्स कंटिन्यू व्लॉग, आगे बाद में आगे करते चर्चा। फाइनली दिस इज़ द एंड ऑफ डे 2, और आज का दिन बोलूँ तो मज़ा आ गया। शुरुआत में जो है मैंग है भाई की 150, फिर बाद में न्यूजीलैंड ऑल आउट हो गई 70 से कम स्कोर में, और अभी स्टिल इंडिया 0 विकेट पे थर्ड सेशन में। तो दिस वॉज ग्रेट फ्रॉम वानखेड़े, और बाकी अभी 3 दिन की मैच बाकी है। होप यही करते कि 500+ का जो है टारगेट मिल जाए। एंड भाई जो है इंडिया के बहुत बड़े फ़ैन है, बिग फैन ऑफ इंडिया। कहाँ से हो भाई? अहमदाबाद गुजरात से, भाई के बिग फैन। और इधर जो है इस साइड से ये थे सचिन भाई के फैन, और पीछे गए धोनी भाई के। सो धोनी भाई गए, मज़ा आ गया इधर इस जगह पे मैच देख के। स्टिल अभी भी ना वो आवाज़ सुनाई देती सचिन सचिन, तो दिस इज़ सचिन तेंदुलकर स्टैंड। एंड आई एम फीलिंग सो लकी कि एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ कि वानखेड़े में आया था, मैच अटेंड किया था,
और इतनी ज़ोरदार मैच थी अनएक्सपेक्टेड, और आपको हमने सेलिब्रिटी से मिला लिया, अलग अलग जगह के एंगल दिखा दिए, स्टेडियम का व्यू दिखा दिया। आगे आपको कमेंट करना है कमेंट कीजिए, और अगर आप लोगों की भी कोई मेमोरीज इस ग्राउंड से जुड़ी हुई है, आप लोग भी कभी आए हो तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताइए कब आए हो क्या मैच देखे। और अगर थोड़ा वीडियो में कुछ कम ज़्यादा लग रहा है तो ये मोबाइल से शूट किया व्लॉग है, क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं है। सो थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा यार आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई। तो धोनी भाई के फैन थे, चलो थैंक यू भाई, अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू, थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच। तो ये देखिए, तो दिस वेयर सम फैन। नाउ आई थिंक कि व्लॉग को एंड करते हैं। तो अगर आपको ब्लॉग का कुछ भी अच्छा लगे तो थैंक यू सो मच।